हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित ब्लॉग जोन। तो मैं हूं इस टाइम दार्जिलिंग में। तो ऐसे ही खूबसूरत जगहों देखने के लिए बने रहिए इस ब्लॉग में, और आगे हम लोग जानेंगे कैसे आप दार्जिलिंग घूम सकते हैं, क्या टूर प्लान होगा और आपका दार्जिलिंग घूमने का क्या बजट हो सकता है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और आइए मेरे साथ घूमिए दार्जिलिंग। अब ये जान लेते हैं कि आप दार्जिलिंग कैसे पहुंच सकते हैं। तो दार्जिलिंग पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। फिर वहाँ से आप 30 रुपया आपको शेयरिंग ऑटो वाले चार्ज करेंगे और आपको ले आकर यहाँ पे सिलीगुड़ी बस स्टैंड छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको NSBTC का बस मिल जाएगा और यहाँ पे आपको प्राइवेट टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी का भी ऑप्शन है। 3 से 4 घंटा लगेगा सिलीगुड़ी बस स्टैंड से दार्जिलिंग जाने में और आप इजली दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने से पहले ही दार्जिलिंग की खूबसूरती आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, जो आपकी एक्साइटमेंट लेवल को और बढ़ा देगी। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं अभी बस से उतर चुका हूं सिलीगुड़ी से यहां का बस स्टैंड पे, और ये देख लीजिए मेरे पीछे पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ चारों तरफ। और यहीं से आपको हर जगह के लिए टैक्सी वगैरह और हर एक चीज़ मतलब आपको यहीं से मिल जाएगा, आपको कहीं भी जाना हो। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के टूर होते हैं, एक सेवन पॉइंट टूर है जो कि 800 से लेकर 1200 तक हो जाएंगे। वो तो डिमांड करेंगे 1000-1200, लेकिन आप बार्गेनिंग करेंगे तो 700-800 में वो कर देंगे। और दूसरा होता है मिक्स पॉइंट, तो मिक्स पॉइंट वो आपका 1200 और 1300 में वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपका हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है जो मैं अपने तरफ बता रहा हूँ आपको, ये टिप्स दे रहा हूँ, यहाँ पे आप एक शेयर टैक्सी चलता है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक शेयर टैक्सी भी चलता है जहाँ पे आप शेयरिंग में भी जाके घूम सकते हैं इजीली। वो आपका 50-60 रुपये मतलब मैक्सिमम लगेगा और आप इजीली घूम सकते हैं। तो अभी मैं हूँ मॉल रोड पे, तो अगर आपको होटल लेना है तो आप मॉल रोड पे ले सकते हैं, गांधी रोड पे ले सकते हैं। इन दोनों जगह में से कहीं पर लेंगे तो आपको कहीं किसी भी जगह एक्सेस करने के लिए इजी होगा। तो आप होटल जो है मॉल रोड पे या फिर गांधी रोड पे ले सकते हैं। ये हैप्पी वैली है और यहाँ पहुँचने में आपको थोड़ी दिक्कत थोड़ी थकावट हो सकती है, लेकिन यहाँ जाने के बाद आप अपनी सारी दिक्कत सारी थकावट भूल जाएंगे और खो जाएंगे इन खूबसूरत हैप्पी वैली की वादियों में। तो अभी मैं आ चुका हूँ हैप्पी वैली। इस जगह पे बहुत ही कम लोग आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कार बहुत ही कम आती है, और यहाँ से आप पूरे दार्जिलिंग का बहुत ही प्यारा व्यू देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है ये, तो यहाँ पे आप एक बार ज़रूर आएँ। और यहाँ पे आने में आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है, ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा थकान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप सारा थकान यहाँ पर भूल जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू मिलेगा आपको और पूरे दार्जिलिंग को आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये नाइट एंगल पार्क है और ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर है। यहाँ पे आप इवनिंग के टाइम ज़रूर जाएं और यहाँ पे आप घंटों अपने परिवार के साथ अपने दोस्त के साथ यहाँ पे ज़रूर टाइम दें। अभी मैं आ गया हूँ नाइट एंगल पार्क पे, और ये यहाँ से आप जैसे ही मॉल रोड से सीधे आएंगे इस रूट से, तो यहाँ पे पीछे एक टिकट काउंटर होगा और ये है यहाँ का टिकट जो कि 25 का पड़ा है, 25 पर पर्सन। तो नाइट एंगल पार्क है ये, और ये बहुत ही प्यारा सा पार्क है। यहाँ पे आपको सिक्किम का ये पीछे व्यूज़ भी दिखता है, लेकिन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फॉग है, तो इस टाइम कुछ दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो भी टूरिस्ट एक्टिविटी कराते हैं दार्जिलिंग में, उसमें ये पॉइंट जो नाइट एंगल पार्क है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे आप खुद से ही आएँ, यह मॉल रोड से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर होगा, और ये बहुत ही प्यारा सा पार्क है। यहाँ पे आप आके फैमिली के साथ गर्लफ्रेंड के साथ 1-2 घंटा यहाँ पे आप आराम से टाइम बिता सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाइट एंगल पार्क घूमने के बाद अब मैं दार्जिलिंग चिड़ियाघर की तरफ बढ़ा, और रास्ते की जो ब्यूटी थी
वो पल पल मुझे रुकने पे मजबूर कर रही थी। तो अभी मैं आ चुका हूँ जू। तो यहाँ का जो एंट्री टाइम है वो है 8 AM to 4 PM और यहाँ का जो एंट्री फीस है वो है फॉरेनर के लिए 100 रुपया और 10 रुपया अलग से कैमरा के लिए, और इंडियन के लिए 60 रुपये 60 रुपया और 10 रुपया कैमरे के लिए रिकॉर्डिंग के लिए अलग से, मतलब 70 रुपया टोटल अगर अंदर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ करना चाहते हैं तो। मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पैर बहुत दर्द दे रहा है, और इसके अंदर जू के अंदर जाने का मतलब बहुत पूरा मतलब वो अंदर तक पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, तो मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ और मैं आगे चलता हूँ अभी। आप लोग लेकिन यहाँ पे ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छी प्लेस है ये। और ये जू के पास आपको ये बहुत सारी साइड में शॉप्स देखने को मिल जाएगी जहाँ से आप कुछ भी छोटा मोटा शॉपिंग कर सकते हैं या फिर कुछ आप खाने वाने को ले सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ हैप्पी। तो अभी मेरे पीछे है यहाँ का दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लेस पे है, बहुत ही प्यारा यहाँ से व्यूज आपको सामने का मिलता है। अभी फॉग वगैरह है तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यूज है यहाँ से। तो यहाँ पे अक्सर आप रिजर्वेशन साइट पे देखे होंगे कि 1,000-1,500 रुपया रिजर्वेशन टिकट है जो दार्जिलिंग से NJP तक है, लेकिन आप यहाँ से पैसेंजर ट्रेन में भी यहाँ के टॉय ट्रेन में घूम सकते हैं जिसका किराया 40 रुपीज़ 40 रुपया है। आप दार्जिलिंग से घूम तक जा सकते हैं बाई टॉय ट्रेन। अभी जब मैं आया तो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग कोई टॉय ट्रेन थी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि टॉय ट्रेन एक्चुअली में दिखता कैसा है और होता कैसा है। और ये बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है ये दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं मेरे पीछे, और वो एक मेरे सामने एक लगी हुई है टॉय ट्रेन। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक्चुअली टॉय ट्रेन दिखता कैसा है और अंदर से वो होता कैसा है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लगा हुआ है टॉय ट्रेन, तो कुछ ऐसा होता है टॉय ट्रेन, आप लोग खुद ही देख लीजिए। बहुत ही छोटा सा होता है और बहुत ही प्यारा सा, और इसका स्पीड भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मली 30-40-20-25 इसी स्पीड में ये चलता है। तो ये है दार्जिलिंग का मॉल रोड, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं ये हॉर्स राइड भी होता है, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट यहीं पे आपको मिल जाएंगे, ATM मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे इवनिंग के टाइम आए, जैसे मैं इवनिंग के टाइम आया हूँ, बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे आकर। अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो आपको बहुत सारे फॉग दिखेंगे और कुछ मतलब व्यूज़ वगैरह कुछ सही से दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ मॉर्निंग में बहुत ही शांत प्लेस ये होता है और आप सुबह सुबह आके यहाँ पे पीसफुल टाइम बिता सकते हैं। तो अगर दार्जिलिंग आए तो मॉल रोड पे तो कम से कम 2-4 घंटा इवनिंग में बिताए यहाँ पे टाइम दे ही थे, बहुत ही इन्जॉय करेंगे आप लोग। दार्जिलिंग के मॉल रोड पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि पूरे दिन की थकावट मिट सी गई हो। यहाँ पे छोटों से लेके बड़ों के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स देखने को मिल जाएगी आपको, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे आप एक बार ज़रूर जाएं। दार्जिलिंग मॉल रोड पे आपको बहुत सारे शॉप्स देखने को मिल जाएगी जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल मेरा दार्जिलिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो दार्जिलिंग का मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत सारी जगह कवर की और बहुत सारी जगह नहीं जा पाया क्योंकि अभी वहाँ पे दार्जिलिंग में रहने सीजन है, बहुत बारिश वारिश हो रहा है और बहुत फॉग है, क्लाउड है, तो आप ये टाइगर हिल और पर्वतिया पर्वत ये सब जाने का कोई मतलब था नहीं क्योंकि वहाँ पर क्लाउड था और कुछ वहाँ पर व्यूज दिख नहीं पाता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपका क्या टोटल घूमने का खर्चा आएगा। होटल आपको यहाँ पे 1500 पर नाइट मिल जाएगा और यहाँ पे फूड आपको 500-600 में आपको इजीली मिल जाएगा एक दिन का पर पर्सन। यहाँ पे थाली मिलता है 150 रुपये में थाली, 200 रुपये थाली, तो इजीली आपका मैं 500 रुपये मानता हूँ एक दिन का पर पर्सन। और कन्वीनियंस पर आपका खर्चा आएगा 600-700 में, 600 मान लेता हूँ, 600 में आपको इजीली टैक्सी मिल जाएगा। तो होटल का खर्चा आएगा आपका 1500 रुपया, फूड का 500 रुपया, ये 2000 हो गया, और 600 रुपया हो गया आपका कन्वीनियंस का।
तो टोटल कर लेते हैं, टोटल हो गया ये 1500 होटल का, 1500 होटल का पर नाइट, 500 फूड का 2000, और 600 कर लेते हैं उसका ये कन्वीनियंस का, टोटल हो गया 2600। ये पर पर्सन कॉस्ट है और एक दिन का है। अगर आप लेकिन आप यहाँ पे आए तो दो दिन का टाइम ले करके आएँ, तो आप यहाँ दो दिन रहें और दो दिन में आप यहाँ के सारी पॉपुलर प्लेस कवर कर लेंगे। तो टोटल बता देता हूँ, अब दो दिन का खर्चा मेरा तो यहाँ पे एक दिन का 2600 रुपये आया पर पर्सन, अकेले में गया था। तो आप अगर दो दिन के लिए जाते हैं तो आप इजीली 3 से 4000 रुपये में आराम से घूम लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ का आपका एंट्री फी देना पड़ेगा। और तो ये टोटल कर लेते तो टोटल आप 4000 में दार्जिलिंग दो दिन के लिए आराम से घूम लेंगे पर पर्सन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपको अगर पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।